Namaskar. So we'll continue with the AECC series, and today we'll take up letter writing. So this is something you have done both in Hindi and English: formal letter, informal letter, aucharik patra, anaucharik patra. So jada kuch baat karne ka hai nahi isme. I'll just show you the formats and everything. So ek sawal shayad aapka usi formal letter to aapko kya hai abhi bhi, it'll come in handy. Aapko chahe principal ko letter likhna hai ya fir kabhi aap job ke liye apply kar rahe hain, cover letter. So these things, formal letter is still very useful for you. Rahi baat informal letter ki, to aap kahenge ki yani ab aajkal kaun likhta hai is tarah se, you know, email, WhatsApp, phone and all of that. But then simple answer, kyunki aapke course mein hai to isliye aapko ye bhi padhna padega, right? But honestly, so ye 10 mark ka question aata hai, aapko hamesha choice aayegi, ya to ek formal letter likhne ke liye ya fir informal letter you will get a question. So that way I would suggest ki, you know, you should focus more on the formal letter. Ek to ye hai kyunki it's more useful, but also because, you know, formal letter mein aapko kya hai, content itna zyada nahi likhna padega, it's very crisp. Bas format ke aapko number kafi mil jate hai usme. Agar aapka format sahi hai, you might get 3-4 marks just out of 10 just for the format. Aur baki kya hai, content mein aapko ek paragraph likhna hai. Informal letter on the other hand lamba hota hai, so that is my suggestion, but yeah, feel free. And again, as always, 6 W's, beginning, middle, end. And so let's begin with formal letter. So as you can see, sabse upar kya aata hai, sender's address jo patra likh raha hai, and then date, and then the receiver's address, unki post ya jo bhi principal स्कूल के जो भी है, स्कूल का नाम, और लाइक जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरमौर. प्लीज नोट दैट आई हैव लेफ्ट स्पेस, यू नो, मैंने एक जगह छोड़ी है डेट के पहले और बाद में. सो डू दैट, लाइक यू नो, व्हेन यू फॉर्मेट की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मेट कितना इंपॉर्टेंट है, सो ऑलवेज ट्राई टू लीव एक लाइन का स्पेस आप डेट के आगे पीछे छोड़िए. वैसे ही सेम विद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट शुड कंटेन द पर्पज ऑफ योर लेटर. एक वाक्य में आपको क्या अपने लेटर का उद्देश्य देना है, बिकॉज एज यू सी फॉर्मल लेटर इज फॉर प्रोफेशनल वर्क. तो क्या है, जैसे अगर आप इस तरह के जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं एग्जाम्पल की एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग अ सेविंग्स अकाउंट, तो इस तरह के लेटर्स क्या है, शायद बड़े बैंकों में रोज उनको हजारों में आते हों, तो इट हैज टू बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, यू नो. उसमें आपको कुछ राम कहानी नहीं करनी है, ज्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं करनी है, नमस्कार ये सब, यू नो, की बट सिंपल क्रिस्प शॉर्ट, राइट? सो कन्वे योर इन्फॉर्मेशन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड, जितने कम शब्दों में आप बता सकते हैं, और एक ही पैराग्राफ में कोशिश कीजिए. लैंग्वेज मस्ट बी फॉर्मल एंड पोलाइट, एज यू कैन सी. जैसे क्या है, मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, मैंने बोला, सो सबसे पहले 3 sentences में आई हैव कवर्ड दिस लेटर. पहले वाक्य में क्या बोल रहा हूँ, कि मुझे बैंक अकाउंट खोलना है. सेकंड में कि मेरे इस लेटर के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स हैं, और तीसरे में क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि फॉर्मली रिक्वेस्ट होती है एक, टू काइंडली इनिशिएट द अकाउंट ओपनिंग, की ये जल्दी से जल्दी मेरा अकाउंट खोला जाए. देन थैंकिंग यू, ध्यान रखिए कैसे लिखा है, पूरा फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए. योर सिंसेयरली या फिर योर ट्रूली, फेथफुली, वट एवर, एंड देन योर नेम और डेजिग्नेशन अगर दिया गया है. एंड प्लीज नोट दैट एवरीथिंग बिगिन्स फ्रॉम द लेफ्ट. ये जो पुराना एक जो स्टाइल होता था, यू नो, व्हेन वी यूज्ड टू वर्क विद टाइप राइटर या फिर हाथ से लिखते थे लेटर, तो उसमें क्या कुछ राइट से फॉर्मेटिंग शुरू होती थी, कुछ लेफ्ट से. बट अब कंप्यूटर का जमाना है, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट. सो दैट इज फॉर्मल लेटर. And now let's move on to informal letter. So same चीज है, we start with sender's address and date. फर्क क्या है यहाँ पे, यहाँ पे receiver's address कुछ नहीं होगा, ठीक है, और साथ में subject नहीं होगा. And then again you start with dear या जो भी है ना, my dear friend, my dear Sonam. तो मैं किसी को एक ये letter लिख रहा हूँ, तो ये जो मैंने letter लिखा है, इसमें क्या, it's about basically मैं मणिमहेश यात्रा के बारे में बता रहा हूँ अपने दोस्त को, और कुछ कुछ यात्रा के बारे में, और फिर मैं उनको क्या है इनवाइट कर रहा हूँ कि अगले साल आप भी आइए मेरे साथ यात्रा देखिए. तो इस तरह के लेटर्स आपने किए ही होंगे स्कूल में. एज यू कैन सी फर्स्ट पैराग्राफ प्लेजेंट्रीज, यानी कि जो क्या है, जैसे आप अगर हिंदी में लेटर में लिखते थे कि हाँ सब कुशल मंगल, सब कैसे हैं, आपके क्या है फैमिली कैसी है, सब ठीक है, इधर भी सब बढ़िया है, इस टाइप की चीजें प्लेजेंट्रीज. और साथ ही साथ क्या है, यू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया या फिर मोटिव फॉर राइटिंग, कि आप क्यों लिख रहे हैं. तो ऐसे ही मैं क्या है, यू कैन सी, थोड़ा शायद इतना क्लियर ना हो टेक्स्ट क्योंकि बड़ा है, बड़ा लेटर है, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि यू नो, यू एज यू कैन सी इनफॉर्मल लेटर में थोड़ा आपको ज्यादा लिखना पड़ता है. सो माई सजेशन वुड बी टू स्टिक टू फॉर्मल लेटर. सो एनी हाउ, सो या
तो इसमें मैं शुरुआत में उनको बोल रहा हूँ कि हाउ आर यू, इट हैज बीन, और नोटिस द लैंग्वेज ऑल्सो, यू नो लैंग्वेज इज कॉन्वर्जेशनल, जैसे कि आम तौर पे हम बात करते हैं. इफ यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड, यू हैव टू राइट द वे यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू नो. तो क्या है, हाउ आर यू, इट हैज बीन सो लॉन्ग, बड़े टाइम हो गए नहीं मिले, होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल, हाउ इज वर्क एंड ऑल ऑफ दैट. फिर क्या है, मैं अब अपनी बात पे आ रहा हूँ कि हाँ, मैं भरमौर में क्या है कल मणिमहेश यात्रा से लौटा हूँ, और हमने एक बार, हम कई बार बात करते थे दैट यू नो वी वॉन्टेड टू गो टू दिस पिलग्रिमेज टूगेदर, बट वी नेवर डिड. तो इसीलिए मैं उसको क्या है ये पत्र लिख के बताना चाहता हूँ. देन यू नो, उसके बाद ये आपका हो गया बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन. देन यू कम टू द मिडिल पार्ट, द एक्सपेंशन ऑफ, जो आप कहानी बता रहे हैं उसको आप एक्सपैंड करेंगे एक या दो पैराग्राफ्स में ज्यादा से ज्यादा, और ट्राई टू यू नो प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन जो भी आप बताना चाहते हैं. तो इसमें अब उनको मैं यात्रा के बारे में बता रहा हूँ, रास्ते के बारे में, वहाँ पे क्या क्या काम होता है, मैं क्यों था वहाँ पे, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी थी, और चलते चलते मैं क्या है राधाष्टमी का जो लास्ट जो अनुष्ठान होता है जब चेले झील तोड़ते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ. और फाइनली उसे अब जो लास्ट फाइनल पैराग्राफ आता है, तो आपको कंक्लूजन देना है कॉन्वर्जेशन का, बात खत्म करनी, और वैसी प्लेजेंट्रीज जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ इनको, हाँ ठीक है, तो इसलिए आप आइए, डू राइट बैक, टेल मी व्हाट यू थिंक, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड योर फैमिली. इट कैन बी वेरी सिंपल लाइक दिस. फाइनली नीचे सैल्यूटेशन जो बोलते हैं, योर ओल्डेस्ट फ्रेंड, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, योर लविंग फ्रेंड एक्सेट्रा, जो भी आप लिखना चाहें, और नाम अगर क्वेश्चन में दिया है, अदरवाइज ABC. Then as an exercise, you can choose to do one of them. या तो आप formal letter लिखिए या informal letter. The formal letter is basically क्या है, आप लोग you missed a lot of classes and so your name has been struck off. आपका नाम college से कट गया है low attendance की वजह से. तो आपको क्या है principal को letter लिखना है asking him for readmission, कि आपको readmit किया जाए college में. तो ऑब्वियसली यू विल से कि हाँ गलती हो गई, या फिर कुछ आप कारण देंगे, कुछ बीमार हो गए, एंड फाइनली क्या है अब से ऐसा नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल लेटर बेसिकली तो सिचुएशन है कि आप क्या है MA या MCOM पढ़ रहे हैं कहीं धर्मशाला कॉलेज में. सो नाउ अब क्या है, जो आपका एक स्कूल गोइंग भाई या बहन है, सो यू आर राइटिंग टू देम टेलिंग देम अबाउट योर कॉलेज लाइफ. यू कैन सेंड देम थ्रू व्हाट्सएप. या ऑल राइट देन, थैंक यू.